तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आपका स्वागत है यहाँ पे अच्छी रोक के एपिसोड नंबर 1 में। तो ये जो एक न्यू एनिमेशन होने वाला है और इसका ये फर्स्ट एपिसोड है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनसक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए जो है 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि मैं उस समय ऊपर गया और ऊपर जाते ही मुझे सनसेट का एक जो है व्यू दिखा जो सबसे अच्छा व्यू था। तभी एकदम से एक लड़की ऊपर से जो है नीचे गिर गई। तो लड़का बोलता कि यहाँ पे मुझे उसकी जो पिंक पैंटी है वो दिख गई। इसके बाद ये शौक में आ जाता है। लड़की गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। लड़का बोलता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि हमारे स्कूल में इतनी जो सुंदर लड़की रहती है और ये उसी को याद कर रहा होता है। तभी इसको उसकी नोटबुक दिखाई देती है और ये जो होता है नोटबुक को ले लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे अपने दोस्तों से बोल रहा होता है कल के हादसे के बारे में। तो इसके दोस्त बोलते कि देखो उस तरह की पैंटी तो बहुत सारी लड़कियाँ पहनती हैं, तुम आखिरकार क्या कहना चाहते हो? रे बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आखिरकार मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में कैसे डिस्क्राइब करूं? लड़की जो है बहुत ज्यादा सुंदर है और वो जो है बिल्कुल एक जो है एंजल की तरह है। तभी यहाँ पे जो ने होता है ये बोलता है कि तुम्हें उसकी नोटबुक मिली है ना, तो क्या तुम उसका जो नाम है वो बताओगे हमें? तो यहाँ पे रे बोलता है कि हाँ उसका नाम जो है टीना है। टीना का नाम सुन के ये लोग शौक में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रे यहाँ पे टीना के पास आ जाता है और टीना बोलती कि अच्छा तुम्हें मेरी जो नोटबुक है वो मिली थी, मैं उसे कल पूरे दिन ढूंढ रही थी। यहाँ पे टीना को देख के जो रे होता है बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और ये बोलता कि ये वो लड़की नहीं हो सकती है। टीना बोलते कि मेरी नोटबुक कहाँ है? तो रे बैग में चेक करता है और ये बोलते कि मुझे माफ करना, मैं नोटबुक को लाना भूल गया। टीना बोलते कि आखिर तुम कैसे भूल गए? रे बोलते कि मुझे माफ करना लेकिन मैं कल उस नोटबुक को ले आऊंगा। टीना बोलते कहीं तुमने उसके अंदर देखा तो नहीं है? तो रे बोलते कि नहीं मैंने उसके अंदर नहीं देखा है। टीना बोलते कि प्लीज तुम उसके अंदर मत देखना। तो रे बोलता है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे रे का दोस्त बोलता कि यही तो ओपनिंग है। तो रे बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो? तभी यहाँ पे रे का दोस्त बोलता है कि वैसे जिस लड़की को तुमने देखा था कहीं वो नोएला तो नहीं थी? क्योंकि जो नोएला है वो जो है बहुत ज्यादा सुंदर है और वो जो है क्लास जो यहाँ पे 2 है उसमें जो है पढ़ती है और वैसे भी स्कूल में यहाँ पे जो इतनी ज्यादा जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो नहीं है। तो रे बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। रे का दोस्त बोलता है क्या पता वो नोएला ही हो। रे बोलता है कि तुम लोग की सारी जो बातें हैं वो जो नोएला पे आके जो खत्म क्यों हो जाती है? तो ये लोग बोलते कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो जो बहुत सुंदर है। वैसे तुम ये बताओ क्या तुम उसको लाइक करते हो? तो यहाँ पे रे बोलता कि लाइक और डिसलाइक मैं कुछ नहीं कह सकता अभी तो, बस मुझे तो यहाँ पे उसकी एक बार और पैंटी देखनी है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम सही में बहुत ज्यादा ही बेकार बंदे हो। और इसी तरह ये लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और बहुत तेजी से बातचीत जो है कर रहे होते हैं। तभी एक और लड़की यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे तोमा जो होती है बोलते कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग इस तरह से चिल्ला के बात करोगे तो बाकी लोग भी तुम्हारी जो बातचीत है उसको जो सुन लेंगे। और तोमा यहाँ पे रे के दोस्त को देख के बोलते कि तुम्हारा फेस तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा ही गंदा है। तोमा बोलते कि तुम लोग किसी पैंटी के बारे में बात कर रहे थे, आज मैंने भी उसी कलर का पहना हुआ पैंटी, अगर तुमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे घर पे जा रहे होते हैं। तभी रे का दोस्त बहुत ज्यादा रो रहा होता है और ये रे का गला जो है पकड़ लेता है और ये बोलता है कि देखो रे कल जाके तुम तोमा को जो है प्रपोज करोगे, जिसके बाद तोमा तुम्हें जो है मना कर देगी, जिसके बाद ही तुम्हें जो है मेरा पेन समझ आएगा। रे बोलता है ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे प्रपोज करूंगा नोएला को, उसको नहीं। तो ये बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद रे यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो था बैठ के सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं उसको यहाँ पे जो है कन्वेंस कैसे करूंगा। मैं मिडिल स्कूल के यहाँ पे जो है लास्ट ईयर में हूँ लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और कल का दिन तो मेरा ऐसे ही बीत गया उस लड़की के बारे में सोचते हुए, और कल मुझे यहाँ पे जो नोएला है उसको जो है प्रपोज करना है, पता नहीं मैं अब क्या करूंगा। तभी रे का ध्यान किताब के ऊपर जाता है जो टीना की होती है और ये याद करता है कि टीना ने मना किया था। तो रे बोलता है कि लगता है कि इसके अंदर कुछ जो है यहाँ पे पर्सनल हो सकता है। इसके बाद रे किताब को जो है यहाँ पे खोल लेता है और ये जो है किताब को पढ़ना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि इसकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन एकदम से
ये जो होता है चौक जाता है। नेक्स्ट सीन में रे यहाँ पे जो स्कूल आता है और सीधा टीना का हाथ पकड़ता है और इसको जो है ले जा रहा होता है। यहीं पे टीना बोलती कि आखिरकार तुम मुझे ऊपर क्यों ले आए हो, तो यहाँ पे रे बोलते कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कितनी अमेजिंग हो। टीना बोलती इसका मतलब तुमने जो है किताब को पढ़ लिया है, तो यहाँ पे रे बोलते कि हाँ मैंने किताब को पढ़ा है और तुम्हारी जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है, तुमने जो नॉवल है वो बहुत अच्छी लिखी है। मैंने एक बार इसको पढ़ना शुरू किया और मैं पढ़ता ही रह गया, यहाँ पे मुझे जानना है कि आखिरकार अगले पार्ट में क्या होगा, तुम जल्दी से इसका अगला पार्ट बना देना। टीना बोलती कि मेरा जो सपना है वो जो मुझे बहुत ज्यादा ही बेकार लगता है क्योंकि मुझे यहाँ पे सही से लिखना नहीं आता, इसलिए मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताती क्योंकि मुझे लगता कि वो लोग मेरा जो है मजाक उड़ाएंगे और यहाँ पे मुझे जो है काफी शर्मिंदगी महसूस होगी। रे बोलता है इसका मतलब तुम जो है मेरी बातों को यहाँ पे जो है गलत साबित कर रही हो, मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारी जो किताब है वो बहुत अच्छी है, क्या तुम यहाँ पे ऑथर नहीं बनना चाहती, तुम्हारी स्टोरी बहुत ज्यादा ही अच्छी है, तुम इस स्किल को यहाँ पे जो वेस्ट मत करो। देखो मेरा भी एक सपना है जिसके बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मैं असल में एक जो मूवी मेकर जो बनना चाहता हूँ, इसलिए जब मैं तुम्हारी किताब को देखा तो मुझे यहाँ पे तुम्हारा जो टैलेंट है वो जो समझ आ गया और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा है। कितना अच्छा होता कि तुम पहले यहाँ पे जो किताब है वो जो ड्रॉप कर देती, तभी रे बोलता कि वैसे आज हमने बहुत ज्यादा बातें कर ली है ना। रे टीना को बोलता कि मुझे तुमसे जो एक सवाल पूछना है, असल में मैं यहाँ पे किसी लड़की को कन्फेस करना जाता हूं, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये कैसे करते हैं। टीना बोलती कि तुमने एकदम से ये सवाल क्यों पूछ लिया, तो रे बोलते कि असल में मुझे जो है नोयला को यहाँ पे जो कन्वेंस करना है, तो प्लीज तुम मुझे बताओ ना। तभी टीना बड़े आराम से बोलती है क्यों ना यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए तुम कन्वेंस कह दो। तभी रे बोलते क्या तुमने कुछ कहा, तो टीना बोलते कुछ भी नहीं, ये एक मजाक था। रे बोलते कि नहीं, ये जो बहुत अच्छी स्टोरी थी और साथ में मैं जो तुम्हारा जो अगला नोवेल है वो भी जो देखना चाहता हूँ, तुम जल्दी से उसको जो डन कर लेना और मुझे जरूर बताना। जिसके बाद ये यहाँ से जो निकल जाता है। यहीं पे हम नोयला को देखते हैं जो खड़ी होती है, तभी जो रे होता है वो यहाँ पे दौड़ के जो है आ रहा होता है और सीधा यहाँ पे जो है बार के ऊपर चढ़ जाता है। रे यहाँ पे बार के ऊपर एक्सरसाइज करने लग जाता है और ये बोलता है कि आज मुझे कहना ही पड़ेगा, और ये बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पे जो है प्यार करता हूँ नोयला, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे चलना चाहोगी। तभी जो नोयला होती है वो हंसना शुरू कर देती है और ये बोलती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग जो है साथ में घर चलते हैं। रे बोलते कि फाइनली इतनी सुंदर लड़की मेरी जो है गर्लफ्रेंड बन चुकी है, आज जो है मैं इसके साथ चलूंगा, कितना मजा आएगा। यहीं पे रे जो होता है नोयला के साथ जा रहा होता है और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि इतनी सुंदर लड़की मेरे साथ चल रही है। तभी जो नोयला होती है वो जो होती है इसको कहती है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, तुम जो आसमान में देख रहे हो, इसका मतलब तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो है ना। तो ये बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नोयला यहाँ पे इसको जो दीवार के पास ले जाती है, तो यहाँ पे ये बोलते कि असल में बात ये कि मैं बहुत ज्यादा ही नर्वस हूँ आज, इसलिए ऐसा हो रहा है। नोयला बोलती ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई। रे बोलते कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी सुंदर लड़की मेरी जो गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तभी नोयला जो होती है रे का हाथ पकड़ती है और ये बोलते क्यों ना हम लोग जो है पार्क में चलें। रे जो होता है बहुत ज्यादा शौक में जाता है, जिसकी वजह रे पार्क के अंदर बैठा होता है और ये बोलते कि वैसे आज बहुत ज्यादा ठंडी है ना, तो ये बोलता कि आखिरकार मैं ही क्या बोल रहा हूँ और ये जो ऐसी बातें कर रहा होता है। रे बोलता कि सही में मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। तभी नोयला बोलती कि तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे जो अजीब लग रहा होगा, मुझे भी अजीब लग रहा है, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार किसी बंदे के साथ बैठी हूँ। वैसे रे तुम क्या यहाँ पे जो टेस्ट है वो देने वाले हो जो हाई स्कूल है उसके लिए, तो ये बोलते कि हाँ मैं देने वाला हूँ। तभी एकदम से टीना बोलते कि हाँ मैं भी जो हाई स्कूल का टेस्ट देने वाली हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ में ही टेस्ट दें। तो ये बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हम साथ में टेस्ट देंगे तो हम जो साथ में एक कॉलेज में जा सकते हैं। टीना बोलती कि मैं भी यही जो तुमसे बोलना चाहती थी, अगर हम लोग सेम हाई स्कूल के अंदर जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे साथ में रहेंगे और बहुत सारी जो नई नई मेमोरी है उनको जो है बनाएंगे। तो रे बोलते कि ठीक है चलो हम लोग साथ में हाई स्कूल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज को बनाते हैं। तो नोयला बोलती ठीक है मैं यहाँ पे जो सीन हाई स्कूल है उसके बारे में पता कर लेती हूँ। तभी यहाँ पे रे कहता सीन हाई स्कूल क्यों, तो नोयला बोलती कि असल में बात यह है कि वो स्कूल मेरे पास में है और मैं यहाँ पे आराम से जो है तैयार होकर जो है स्कूल में आ सकती हूँ। रे बोलते कि मैं तो यहाँ पे जो हिस्नुवा हाई स्कूल है उसके अंदर जाना चाहता हूँ। नोयला बोलते कि आखिरकार यही हाई स्कूल क्यों, तो यहाँ पे रे अपने मन के अंदर बो रहा होता है क्योंकि स्कूल के अंदर ही सिर्फ यहाँ पे जो फिल्म मेकिंग क्लब है वो जो है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके अंदर जाना चाहता हूँ। रे बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे इसी के अंदर जाना है क्योंकि स्कूल मुझे काफी अच्छा लगता है। तो नोयला बोलती ठीक है हम लोग साथ में इस स्कूल के अंदर जाएंगे और तुम वहाँ पे पुलिस भी लगाना। रे बोलते कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नोयला बोलते ठीक है, वैसे ही मेरी टीचर कह रही थी अगर मैं अपने ग्रेड को यहाँ पे इम्प्रूव
इम्प्रूव कर लूँ तो मैं भी उसमें आ सकती हूँ। रे बोलते कि जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ मुझे बहुत ज्यादा ही मोटिवेशन जो है फील होती है। तो नोएला बोलते ठीक है हम लोग साथ में चलेंगे स्कूल के अंदर। नेक्स्ट सीन में रे पढ़ाई कर रहा होता है और ये बोलते कि हाई स्कूल के अंदर मेरे यहाँ पे लव और मेरा जो ड्रीम है वो जो है मेरा वेट कर रहा है, मुझे यहाँ पे इन दोनों को पाना है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सही बच्चे रे और नोएला की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे लोग बोलते कि नोएला ने यहाँ पे रे को पसंद कर लिया क्योंकि उसने काफी अजीब ढंग से यहाँ पे जो उसको प्रपोज किया था, अगर वो ऐसा नहीं करता शायद से नोएला उसको हाँ नहीं बोलती। रे के दोस्त बोलते कि नोएला ने यहाँ पे जो रे को हाँ बोल दिया। तभी ये लोग देखते कि जो रे है वो जो अभी तक पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे इसके दोस्त बोलते हैं कि कमाल है यहाँ पे, क्या इसने अभी तक अपना जो होमवर्क है उसे भी जो पूरा नहीं किया है, ये जो कितना ज्यादा बेवकूफ लग रहा है, आखिरकार ये कर क्या रहा है अभी तक। तभी यहाँ पे जो फिट होता है वो जो होता है यहाँ पे ने का हाथ पकड़ लेता है और ये बोलता है कि पहले तुम बताओ कि आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे ने बोलता है कि असल में मैं यहाँ पे पुलअप्स करने की ट्राई कर रहा था ताकि मैं भी जो हूँ यहाँ पे रे की तरह जो है किसी को कन्वेंस कर पाऊँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रे यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन इसके दिमाग में कुछ भी जो है नहीं जा रहा होता है। तभी जो टीना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और जिसके बाद टीना रे को जो है पढ़ाना शुरू कर देती है। रे बोलते कि तुम तो बहुत ज्यादा ही होशियार हो। टीना बोलते कि तुम ऐसा तो मत बोलो, वैसे तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो। तो रे बोलते कि हाँ मुझे जो यहाँ पे हिसनुवा जो स्कूल है उसके अंदर जाना है क्योंकि उसके अंदर ही जो फिल्म क्लब है वो है। वैसे टीना तुम कौन से हाई स्कूल के लिए यहाँ पे जो है टेस्ट दे रही हो। तो टीना बोलती कि मैं ओसवन जो हाई स्कूल है उसके लिए टेस्ट दे रही हूँ। तो रे बोलता है कि वैसे क्यों ना तुम भी ईसनुवा जो स्कूल है उसके लिए टेस्ट दे दो, मुझे पता है कि ये टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत आसान है तो तुम भी जो इसको दे सकती हो और हम लोग साथ में मूवी बनाएंगे। रे बोलते कि नोएला भी इसी स्कूल में जा रही है इसलिए मुझे भी इस स्कूल में जो है जाना पड़ेगा। वैसे अगर तुम यहाँ पे मुझे एडवाइस नहीं देती तो शायद से जो नोएला है वो जो मुझसे नहीं मानती। यहाँ पे सभी लोग बोलते कि अगर मैंने पुलअप नहीं लगाए होते तो नोएला मुझसे नहीं मानती। वैसे मैं भी यहाँ पे इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि नोएला बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो मेरे ऐसे बंदे को यहाँ पे जो है क्यों अपनाएगी, वो तो मुझे डेट भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो टेस्ट है वो जो है बहुत ज्यादा पुराना है और उसका टेस्ट यहाँ पे जो है अलग है। तभी टीना बोलती कि देखो यहाँ पे सभी के जो टेस्ट है वो जो अलग अलग है और कल जो मैंने बात की थी वो सिर्फ मैंने मजाक के वे में की थी बस। अगर तुम कल पुलअप भी नहीं करते तब भी नोएला तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड बन जाती क्योंकि तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो। रे बोलते कि तुमने मेरे गोल के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, क्या तुम मुझे यहाँ पे जो पढ़ा सकती हो। तो टीना बोलते ठीक है मैं जो तुम्हें पढ़ा दूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी जो मूवी है वो भी जो देखनी है। तभी एकदम से टीना का पांव मोड़ता है और ये नीचे गिर जाती है। यहाँ पे रे जो होता है टीना की पैंटी को देखता है जो यहाँ पे पिंक होती है और ये चौंक जाता है और ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वो लड़की नहीं हो सकती क्योंकि वो तो बहुत सुंदर थी। रे बोलता है कि लगता है कि पिंक पैंटी मेरे लिए बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जय लकी है। तभी टीना अपना चश्मा उतारती है और ये वही लड़की होती है जिसको रे ने पहली बार देखा होता है। अब यहाँ पे देखना यह है कि आखिरकार रे को यहाँ पे कैसा लगेगा जब उसको पता चलेगा कि उसने एक गलत लड़की को प्रपोज कर दिया, क्या वो नोएला का यहाँ पे दिल तोड़ेगा और यहाँ पे जय टीना से दिल जोड़ेगा। अगर आप लोग को देखना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो और यहाँ पे मैं आपके लिए अगली वीडियो बना दूंगा और आपको आंसर मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।